तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि तीसरे फेज में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, तीसरा फेज आखिरी रण जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले तो ये दिखाइए तस्वीर कि क्या लोगों में उत्साह है आखिरी फेज के लिए भी, और आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद है, वहां पर मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर क्या तैयारियां की गई है, तस्वीरों के माध्यम से बताइए। बिल्कुल, देखो सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। पट्टन विधानसभा ये, और सुबह सवेरे 7 बजे के पहले से यहाँ पर जो लाइन है वो लगनी शुरू हो गई थी। एक लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं मतदाताओं की, जो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही ज़्यादातर जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए आते हैं और उसके बाद शाम को ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप मतदान करने के लिए आए हुए हैं, सुबह सवेरे ही आ गए? आ गए। क्या वजह रही? वोट आएगा। हाँ, इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? वोट डालने के लिए। वोट डालना क्यों जरूरी है? इस बार तो एक लंबी लाइन भी नजर आ रही है यहाँ। जरूरी है। आप क्या कहेंगे? हम ही वोट डालेंगे। हाँ। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो एक उत्साह भी नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ पे लोगों में। आज खुशी से सब निकला, आज वोट डाल, आज खुशी से निकला। तो देखिए, खुशी से लोग लबरेज नजर आ रहे हैं। खुशी है ये और उत्साह है ये कि एक लंबे वक्त के को इन चीजों का समाधान इस चुनाव को राष्ट्रवाद अलगाववाद को बना दिया है। मैं किसी को डंडा रखा है आपने? बोलो एक मिनट। हाँ जब सर आप वोट डाल के निकले क्या कहेंगे? सर एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड सर आप वोट डाल के निकले क्या कहेंगे? मैं सब लोगों से, अभी तो सवेरे सवेरे है, 7 बजे सुबह के, पूरा दिन है अभी, 11-12 घंटे हैं। मैं सबसे वोटरों से जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू के, सबसे निवेदन यही करूंगा कि अभी 10-11 घंटे हैं वोट डालने के, तो शाम तक सबको वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माएं, बेटियां, बहू, सबको वोट डालना चाहिए। लेकिन सर आप रहा कि लास्ट में आज पर बहुत लेट शुरू की है, सबने कहा आजाद साहब बहुत लेट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सबको मालूम। लेकिन सर इस बार क्या लग रहा है, कोई मेजोरिटी सरकार यहाँ पे बनेगी? वो तो मतदाता बताएंगे। मतदाता अगर फ्रैक्चर मैंडेट देंगे तो फ्रैक्चर असेंबली आगे, अगर मतदाता एक पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी। मैं किसी पार्टी के हक में या विरोध में बोलने वाला नहीं। आपको किंग मेकर कह रहे हैं लोग, किंग मेकर आजाद साहब भी होंगे। आजाद जिनकी तबीयत खराब थी, लेकिन सुबह सवेरे ही वो वोट करने के लिए पहुंच गए थे। अब यहाँ पट्टन विधानसभा में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए सुबह सुबह आप लोग सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितना उत्साह है? बहुत खुशी है, हम बहुत मदद के बाद यहाँ इंतखाब हुआ है। हम अपनी हुकूमत यहाँ चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए हम चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, बस और क्या है। हाँ, इसलिए डेवलपमेंट के लिए बस। बहुत अच्छी बात है, सुबह सवेरे आप भी आए हैं डेवलपमेंट के लिए आज वोट कर रहे हैं? हाँ, डेवलपमेंट के लिए, सड़कें हैं, पानी नहीं है, इसीलिए वोट डालने के लिए आए, खुशी से हम। हाँ, डेवलपमेंट होगा ना गाँव में। कश्मीर इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, एक लंबी लाइन है। कश्मीरी बोलते हैं आप? हाँ, आज पहले बार हमें अपना कैंडिडेट है, इसलिए हम सवेरे से निकले, आज हम पूरा वोट कास्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। आज मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा क्रॉस करने वाला है यहाँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पटन के अपनी कैंडिडेट है, क्योंकि वो एक ईमानदार है, डेडिकेटेड है, वो ध्यानदार है। और बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए लोगों में उत्साह जो है वो बहुत नजर आ रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए दिन भर हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं इसराइल की, क्योंकि इसराइल ने देखिए पहले हमास के चीफ को खत्म किया, इसके बाद हिजबुल्ला के चीफ को ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसराइल जो है रुका नहीं है, क्योंकि अब यमन के साथ साथ ईरान पर भी जीत की पूरी कोशिश करता हुआ इसराइल नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें यमन के विद्रोहियों पर हमला कर रहा है, इधर ईरान से सीधी जंग लड़ने की बजाय वहां के लोगों के दिमागों से खेल रहा है, ताकि ईरान पर आसानी से जीत हासिल की जा सके। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, हमास,
हिजबुल्ला और हुती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इसराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्ला को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इसराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन शुरू किया, जो यमन विद्रोहियों पर आईडीएफ के ये सबसे बड़े हमले हैं। इसराइल के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। अब वो अपने दुश्मनों का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही रुकेगा। एक तरफ ट्रिपल एच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इनको समर्थन देने वाले ईरान पर आंखें तरेर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रहे हैं। पहले ईरान और अब मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच गिना रहे हैं। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके इरादे स्पष्ट हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को धमकाया, फिर उन्हीं के खिलाफ ईरानी आवाम को भड़काने और बरगलाने की कोशिश की। Every day you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif, ask Nasrallah. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. नेतन्याहू यहीं नहीं रुके। उन्होंने बिना नाम लिए खामेनेई को तानाशाह करार दिया और उस तानाशाह से ईरान को मुक्ति दिलाने की बात कही। अपने संदेश से कहीं ना कहीं ईरान पर इजराइल के हमले का इशारा है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in five continents will be bankrupt, dismantled. नेतन्याहू को पता है कि वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूती से युद्ध बड़े आसानी से लड़ सकते, लेकिन ईरान से जंग बम और बारूद से नहीं जीती जा सकती। इसीलिए इजरायली पीएम ने अब दिमाग से खेलना शुरू किया है और ईरानी लोगों को खामेनेई के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे ईरान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, सरकार गिरे और वो मौका देखकर ईरान पर अटैक कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।